नवादा से खबर निकल के आई है सामने, जहां चहक प्रशिक्षण केंद्र पर खाने में मिले समोसा देखकर भड़क उठे हैं शिक्षक। नवादा से खबर निकल के आई है जहां जिले के डीएल इंटर विद्यालय में आयोजित चहक प्रशिक्षण केंद्र पर खाने में मिले समोसा देखकर शिक्षक भड़क उठे। वहीं प्रशिक्षण जो केंद्र है उसके दौरान देखा जाए तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक वहीं प्रशिक्षक कर्ता एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षक के बीच काफी बहस हुई है। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों ने कहा है कि भूखे पेट हम लोग कैसे रहकर प्रशिक्षण लेंगे। और वहीं बताया जा रहा है कि हिसुआ स्थित डीएल इंटर विद्यालय में गुरुवार से शिक्षकों को चहक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों का आरोप है कि कल हम लोग को प्रशिक्षण केंद्र से 2 किलोमीटर दूर जाकर होटल में खाना का व्यवस्था किया गया और कहीं ना कहीं हम लोग को 2 घंटे से अधिक खाने में लग गया। वहीं 20 रुपये भाड़ा जो है वो भी लग गया। और कल हम लोगों ने कहा कि खाना केंद्र पर ही व्यवस्था किया जाए तो देखा जाए तो इसको लेकर कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन आज शुक्रवार को एक समोसा और एक मिठाई जो है वो थमा दिया गया और जिससे हमारा पेट भी नहीं भरेगा। शिक्षकों ने कहा कि हम लोग अपने गाँव से सुबह में ही प्रशिक्षण के लिए केंद्र आ जाते हैं और शाम तक प्रशिक्षण चलाता है। वहीं शिक्षकों ने कहा कि हम लोग अपने गांव से सुबह में ही प्रशिक्षण केंद्र आते हैं और कहीं ना कहीं शाम तक जो है प्रशिक्षण केंद्र जो है वो चलता है और शाम तक जिस तरीके से चलता है इससे बहुत दिक्कत होता है, तो दिन भर भूखे कैसे रहकर प्रशिक्षण लेंगे हम लोग। वहीं डीएल स्कूल में प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार ने कहा कि विभाग से नहीं मिला है हमें खाना का पैसा और आसपास होटल भी नहीं है, बावजूद हम कल होटल में जो खाना है उसका व्यवस्था कराए थे, अब कल से खाना केंद्र पर ही मंगा कर दिया जाएगा। वहीं क्या कुछ कह रहे हैं तमाम लोग वो सुने आप लोग। खाना खिलाने के लिए हम लोग को जिला से कोई भी रकम नहीं मिला है और हम लोग को व्यवस्था करने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि बाद में मिलेगा। ठीक, इसमें हम लोग कल भात दाल सब्जी जैसे प्राथमिक स्कूल में खास करके आ गया है कि 2 किलोमीटर दूर जा कर के लोग खाना खाएंगे फिर आएंगे और महिलाओं को दिक्कत होता है, इस पर क्या व्यवस्था? ये बात मैंने उठाया था वहाँ कि मेरा विद्यालय के आसपास में होटल नहीं है और मैंने मेरे पास वो उसको खाना बनाने वाला है तो हमने कहा होटल से, तो कहा कि ठीक है सर से होटल से आप व्यवस्था कर दीजिएगा खाने के लिए। प्रॉब्लम हमारा बैठने के लिए जहाँ दिक्कत हो रही है, कारण दरी नहीं है तो क्या का जी? मेरे विद्यालय में दरी उपलब्ध है, वही दरी है। आगे के व्यवस्था सर्वसम्मति से सब इन्होंने आज के बारे में कहे कि इसे हम लोग के सूखा नाश्ता के रूप में खाना के रूप में व्यवस्था कर दीजिए। सर्वसम्मति से इन लोग ने कहे कि मीठा और अति समोसा, लेकिन फिर आज मैंने जब ऐसा आ रहा है विचार तो फिर इन लोग चावल दाल जो भी मैंने बनेगा वही आके यहाँ मैंने होगा। ये थे प्रिंसिपल दुर्गोपाल लाल के प्रमोद कुमार जी और आइए जानते हैं यहाँ जो प्रशिक्षण ले रहे हैं चहक के शिक्षिका लोग की कहना था कि यहाँ खाने में थोड़ा व्यवस्था नहीं था और हम लोग गाँव देहात से आते हैं और खाना नहीं मिल पाता है जिस कारण हम लोग को परेशानी हो रही है। आइए हम जानते हैं क्या दिक्कत परेशानी क्या थी आपकी। परेशानी यही थी कि आने जाने की परेशानी, 5 बजे तक यहाँ प्रशिक्षण होना है, जब हम वहाँ जाएंगे एक आधा घंटा जाने में आने में और खाने में लगेगा तो प्रशिक्षण में बाधा होगा, टाइम यहाँ मतलब वेस्ट हो जाएगा तो प्रशिक्षण अच्छी तरह से नहीं ले पाएंगे हम लोग, इसी कारण हम लोग बोले नहीं यहीं परेशानी था सर कि हम लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, प्रशिक्षण के आवर में वहाँ जाएंगे आना जाना 1 घंटा का टाइम लगेगा, नज़दीक नहीं है कि तुरंत जाएंगे चल आएंगे, तो प्रशिक्षण भी यहाँ क्या चाहिए हम लोग अति करेंगे। तो क्या व्यवस्था की गई प्रशिक्षण द्वारा, प्रशिक्षक द्वारा क्या व्यवस्था किया गया खाने का? खाने का था कल जो खाना था चावल दाल सब्जी सलाद पापड़। आज क्या है? आज समोसा और लोंग लत्ता था, एक समोसा एक लोंग लत्ता जी। तो ये समोसा को लेकर सूखा नाश्ता यहाँ दिया गया था जबकि इन लोग कहना है कि हम लोग घर से आते हैं गांव से आते हैं और भूखे रहते हैं तो समोसा से हम लोग दिन भर कैसे प्रशिक्षण लेंगे। नवादा से मैं सुनील कुमार।